मेरे ख्याल से चिकन लॉलीपॉप खाना सबको पसंद है, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है ना। तो रेस्टोरेंट में आप जब भी जाते हैं, चिकन लॉलीपॉप को आप ऑर्डर ज़रूर करते हैं। घर में भी आप इसको बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और ये यमी और टेस्टी भी होता है। सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट किया है नमक और नींबू के रस से। फिर मैंने एक घोल तैयार किया है कॉर्नफ्लावर, बेसन और मैदे के साथ। उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था। फिर इनको फ्राई करना है। फिर मैंने क्या किया, सारे सब्जी काट लिए हैं। लहसुन अदरक नहीं दिया मैंने, लहसुन टमाटर प्याज हरी मिर्च कैप्सिकम टमाटर, इन सबको अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। जब तक ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, फटाफट एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इस मिक्सचर को बनाना सबसे ज़रूरी है। इसमें मैंने ऐड किया है विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस, और मैं ऐड करूँगी हनी। हनी ऑप्शनल है, आप हनी की जगह चीनी भी ऐड कर सकते हैं, बट हनी ऐड करने से ग्रेवी ठीक हो जाता है और एक बहुत ही अच्छा टेस्ट ले आता है। अगर आप इस मिक्सचर को तुरंत तैयार नहीं करके रखेंगे तो वो सब्ज़ी जल जाती है और टेस्ट डिफरेंट सा आता है। तो सबसे पहले आपको ये लिक्विड अच्छे से मिला के तैयार कर लेना है। अब देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है ना, इसके साथ मैं कॉर्नफ्लावर भी थोड़ा सा मिला के एक घोल तैयार करके इसी के अंदर अभी डाल दूँगी। ये ग्रेवी जो है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेवी है। आप कोई भी वेज आइटम के साथ इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे पनीर, टोफू, मंचूरियन बॉल्स, कुछ भी। मैं तो चिकन के साथ यूज़ कर रही हूँ। जैसे लॉलीपॉप होता है ना, ड्राई लॉलीपॉप, ड्राई लॉलीपॉप उतना अच्छा नहीं लगता। अगर आप इस ग्रेवी में इसको अलट पलट करके थोड़ा सा लटपटा, इसको दिल्ली में लटपटा कहा जाता है, जब बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। और बिल्कुल आप भी इसी तरीके से बनाइए। हाँ, मात्रा जो है वो इक्वल क्वांटिटी में आपको हर चीज़ लेना है, और जो तीखापन है वो आपके स्वाद अनुसार होगा। बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। मुंह में तो मेरा पानी आ रहा था जब मैं बना रही थी, और खुशबू बहुत ही अच्छा होता है। ये आप चाउमीन, फ्राइड राइस या एज अ स्टार्टर भी आप सर्व कर सकते हैं। बोलिए तो, आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना? जल्दी जल्दी बना लीजिए चिकन लॉलीपॉप रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। रेसिपी अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।